तो हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही डरावनी होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको गांव के जंगल के दिखाने वाला हूँ। जी दोस्तों, गांव में इतनी खतरनाक जंगल होती है जहां पे कोई नहीं जाता है, और आप देखें तो वहां पे बहुत सारे सांप कीड़ा वगैरह होता है। तो आज के इस वीडियो में अपने ही गाँव के बहुत ही खतरनाक जंगल, जिसमें कि 10-15 साल से कोई नहीं जाता है, उस जंगल में ले जाऊँगा और दिखाऊँगा उसमें कौन सा फल फ्रूट होता है, कौन सा जानवर होता है, क्या कुछ होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं। तो हमारे साथ हमारे नीतीश भाई भी जाएंगे और कैमरा मैन भी जाएगा, बस हम लोग 3 आदमी जाने वाले हैं। तो क्या नीतीश भाई, आप रेडी हो जाने को? हाँ बिल्कुल रेडी है जाने के लिए। बहुत दिन पहले आए थे, मतलब 10 साल पहले, छोटे छोटे थे, तो मतलब बाहर से ही देखकर, साइड से ही देखकर भाग जाते थे, जानवर और सांप वोप वगैरह देखते थे तो भाग जाते थे। तो चलिए फिर आज चलते हैं अंदर जंगल में और फिर देखते हैं कि क्या, मतलब पूरा डरावना सा लगेगा, तो दिखाते हैं कि क्या क्या है इस जंगल में। तो चलिए दोस्तों, हमारे नीतीश भाई तो पूरी तरह से रेडी है, हम भी रेडी है, तो हम इधर चलते हैं अब जंगल की तरफ और इधर का आपको कुछ दिखाते हैं, जो भी चीज़ है उसी जंगल में दिखाते हैं। इधर से हम लोग चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसा कुछ दृश्य है, और यहाँ पे आप बने रहे हमारे साथ साथ और फिर आपको आगे की तरफ दिखाते हम लोग चलते हैं कि इधर का कैसा क्या कुछ दृश्य दिखाई देता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब ये कैसे, मतलब ये सब निकल चुका है और इधर थोड़ा बहुत लोग तो आते होंगे, क्योंकि ये नज़दीक में है तो लोग आते होंगे। और यहाँ पर देखिए, आप लोग आइए हमारे साथ साथ बने रहिएगा और वीडियो को लाइक और वीडियो पर कमेंट भी करते रहिए। तब तो हम चलते हैं। यहाँ पर देखिए एक कैसे, मतलब इसको बम्बू बोलते हैं, जो कि बम्बू ऊपर से पूरी तरह से कट चुका है, और आई होप कि पानी जब आया होगा तो ये बम्बू, मतलब कि इधर से ऊपर का कट गया तो नीचे का है, मतलब ये भी भयानक है। इस जंगल में रात में आने में कितना डर लगेगा, और यहाँ पर मतलब बम्बू में ऐसे ऐसे आ जाता है जैसे लगता है कोई भूत है। दिन में भी डर लगती है, क्या पता इसमें कोई जानवर वगैरह हो सकता है। तो अभी भी इधर बिल्कुल सन्नाटा है, और यहाँ पर देख सकते हो लगता है इधर चिड़िया उड़िया हो सकती है बम्बू के ऊपर। ऊपर लग रहा है सर्फ है, कूद रहा है, कुछ भी हो सकता है। सब फिर भी कोई बात नहीं, हम चलिए देखते हैं कि आगे यहाँ पर क्या क्या दिखाई देता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इधर का रास्ता, मतलब कैसे है, और इधर आई होप कि जब पानी आता होगा तो इधर भी पानी आता है। और यहाँ पर हम चलते हैं और फिर आप लोग वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को रुकिएगा मत। आज आपको लाइव सब कुछ दिखाते हैं कि जंगल में क्या कुछ होता है और कैसे क्या कुछ हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब जंगल यहीं से भयानक जंगल का शुरुआत होती है, और यही एक बहुत ही भयानक जंगल है जो कि हमारे गांव का जंगल है। और आप देख सकते हैं बाहर से ही नज़ारा देख आपको अंदर जाने की बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, क्योंकि एक लठ तोड़ लो नीतीश भाई, क्या पता कोई जानवर वगैरह आगे मिल जाए तो ठीक रहेगा। तो नीतीश भाई हमारा लठ लेकर रेडी है, क्योंकि उनको थोड़ा बहुत डर लगता है जानवरों से, मुझे भी लगता है, ऐसा बात नहीं, हर एक इंसान को जानवरों से डर लगता है। और फिर रहेगा अच्छा लठ पास में तो ठीक रहेगा। तो देखिए हमारे नीतीश भाई बहुत ही मेहनती भी है, उनको अभी लठ वोट टूट लिया है एक, और अभी हम चलते हैं यहाँ। टूट लिए हैं और चलते हैं मेन जंगल में, प्रवेश हम लोग करते हैं यहाँ पर, यहीं से मेन जंगल हमारा शुरू हो रहा है। आप देख सकते हैं जानवर हमला करेगा तो उस पर हम लोग टूट पड़ेंगे। ये नदी किनारे ये जंगल है, तो इसमें जानवरों का होना नाजिम है, मतलब कि कोई भी सांप वगैरह कोई भी जानवर इसमें आ सकता है, क्योंकि ये नदी किनारे जो भी है जंगल है। तो फिर भी आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, मतलब जंगल की जो भी है भयानक ही जंगल है, आप यहाँ पर देख कर पता लगा ही सकते हैं। अभी देखना इधर देख सकते हैं, ये झाड़ी है, इसके अंदर जाएंगे तो केवल मतलब कांटा ही है लगेगा, जब कांटा चुने तो हम निकल नहीं पाएंगे, इसलिए हम उसके अंदर जाने का नहीं कोशिश करेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे कांटा है पूरी तरह से, सब कांटा वाला चीज़ है, और इधर से ही हमारा जो भयानक जंगल है वो शुरुआत होती है। तो चलिए देखते हैं अंदर जंगल के अंदर प्रवेश करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ होता है, क्या कुछ मिलता है देखने को हमको। जंगल आप यकीन मानिए दोस्तों, जंगल बहुत ही भयानक, यहाँ पर देख सकते हैं इस, यहाँ पे एक बार दिखा दो कैमरामैन, इधर के साइड का दिखा दो एरिया कितना खतरनाक है, सिर्फ कांटा ही कांटा है इसमें, और भयानक सर्प वगैरह भी हो सकता है इसमें, कुछ कह नहीं सकते। तो उधर हम जाकर अपना जान को खतरा में नहीं डालना चाहेंगे। और यहाँ पे हम चल रहे हैं, और यहाँ जंगल। ओह माय गॉड,
ओ माय गॉड, ओ भाई साहब आप देखिए यहाँ पर बेर का पेड़ है, क्या बात है यार, बेर का पेड़ है और बेर भी यहाँ पर फड़ा हुआ है इस पेड़ पे। नितेश भाई बेर तोड़ो, पाँच छः बेर खाया जाए, और आप देख सकते हैं यहाँ पर बेर का पेड़ है ये, और नितेश भाई हमारा इस पर चढ़ने का कष्ट करेंगे और फिर वही देखेंगे कि इस पर बेर फरा है या तो फिर नहीं फरा है। इधर देखा तो बहुत डेंजर है, गढ़ा रहे नीचे, अबे नीचे मत गिर जाना, देख कर तुरियो। एक दो हमें भी खिलाना, हमसे तो यहाँ पर टूटने वाला है नहीं। तो नितेशी भाई इस बेर के पेड़ को अभी चढ़े हुए हैं। और एक बता रहे जरूरी दोस्तों, बेर में बहुत ज़्यादा कांटे भी होता है, तो इसलिए दोस्तों आप चढ़ने से पहले इस बात को ध्यान में रखें कि कांटों से आपको बचना होगा। और दो तीन बेर हमें भी यहाँ पर मिलती है, क्या बात है दोस्तों। ये बेर कच्चा हुआ है लेकिन दोस्तों मीठ भी लगता है, मीठा है बेर, थोड़ा बहुत कच्चा है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, मीठा लग रहा है बेर। क्या बात है भाई, मजा आ गया। और दो दो तीन बेर गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, सांप ने अपना केंचुला भी यहाँ पे छोड़ा हुआ है, तो हमको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सांप का केंचुल है, कहीं सांप भी हो सकता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर बेर जितना भी खाना था हमने तोड़ कर और खा लिया है, और यहाँ से चलते हैं मेन जंगल में प्रवेश करते हैं, वहाँ पर बहुत ही खतरनाक है। आप इधर का एरिया एक बार देख सकते हैं कि इधर सभी पेड़ ही पेड़ है, जंगल ही जंगल है, इधर कहीं से भी सांप आ सकता है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, तो इसलिए हमको थोड़ा डर के ही चलना पड़ेगा इस जंगल में। आप देख ही सकते हैं यहाँ पर उनको बेर खा लिया, जो कि बेर अभी पका हुआ नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं, हमने खा लिया, अच्छा लगा आपको। और बेर हम सब खाते हैं और फिर चलते हैं जंगल में, इधर से तोड़ते हैं और यहाँ से चलते हैं मेन जंगल में प्रवेश करते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप बने रहिएगा वीडियो पर, क्योंकि आपने गांव का जंगल जब देखेंगे तो आप एकदम से चौंक जाएंगे यार, अभी कहोगे यार क्या मौज है गांव में। देखिए दोस्तों इधर मतलब कितना मज़ा आएगा सोने में, इस पर आप तकिया बिठा कर सोइए रात को, क्या मौसम रहेगा यार, कितना मतलब सुहाना मौसम रहेगा, आप सो सकते हैं, लेकिन जानवरों से आपको बचना होगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना ही होगा। अभी देखिए इधर से भी है, इधर से भी, अब हम गिर से चलते हैं, इधर से चलते हैं, ऊपर भी बहुत ही खतरनाक खतरनाक चीज़ होता है, इसमें कांटा भी है, इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर बचते हुए चल रहा है क्योंकि यहाँ पर कांटा भी है। और यहाँ से हमको ओहो देखिए नितेश भाई को कांटा लग गया, जंगल बहुत ही खतरनाक है, चलिए तो हम जंगल के अंदर चलते हैं। कांटा है, कांटा कितना बच्चे, अरे ये भी कांटा वाला ही है, जंगल में सिर्फ कांटा ही कांटा है। तो दोस्तों इस जंगल में सिर्फ कांटा ही कांटा है, आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा खतरा है, फिर भी हम इधर प्रवेश करते हैं, वेट नहीं आपको जाना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों हम भी इसको यहाँ पर जा रहे हैं, और यह देखिए सिर्फ कांटा ही कांटा इस जंगल, चारों तरफ देख कांटा ही दोस्तों, इस जंगल में आना मतलब खतरा का सामना करना है। यहाँ पे आपको दिखा रहे दोस्तों की तो दोस्तों अभी आपने देखा कितनी खतरनाक वाले एरिया में से भी निकले हुए, एक सिर्फ कांटा ही कांटा था, और इधर तो अभी घोर जंगल आगे भी है, इधर तो बहुत ही भयानक जंगल आगे है। इधर का एरिया आपने देखी नहीं कितना खतरनाक था ये एरिया, यहाँ से हम लोग आए हैं, उधर से हम लोग आए हैं, पीछे से आए हैं, अब आगे की तरफ हम जा रहे हैं, इधर ही देखते हैं क्या कुछ हमको दिखाई देता है। यहाँ पर पेड़ पौधे ही ज़्यादा है, इधर जाना भी हो सकता है, देखिए थोड़ा बहुत हमको सावधानीपूर्वक ही जाना होगा। और इधर देखिए दोस्तों क्या यार मज़ा आ जाएगा, जाना नहीं होता तो इधर छोटे में कुछ मिल जाता, आप सोच सकते हैं
और जगह में जाए जाना, हमको डर भी लग रही है। बच के निकल जाओ, संभल के जाना, बहुत घना जंगल के हम लोग अब इसके अंदर ना ही जाए तो सही रहेगा, वरना खतरे की पता नहीं चल सकती है आगे के। तो गाइस देख सकते हैं अब इसके अंदर जाना बेहद ही मुश्किल है, तो इधर हम निकलते हैं, इस साइड में थोड़ा निकलते हैं और फिर इस साइड में देखते हैं कि क्या है। तो आइए दोस्तों इस साइड में चलते हैं और इस साइड में भी देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। और यहाँ तो हमारे कैमरा मैन भी साथ में है भाई साहब, क्योंकि मुश्किलों का सामना करते हुए यहाँ पर आ रहे हैं। तो गाइस देख सकते हैं अब इसके अंदर से जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इसके अंदर अगर हम घुस जाएंगे तो पूरे कांटा से हमारे देह में लग जाएगा, इसलिए दोस्तों आप देख सकते हैं इसके अंदर हम नहीं जा सकते, इधर से ही हमको वापस लौटना होगा, क्योंकि दोस्तों इधर से जाना बहुत ही बड़ा खतरा है। और मतलब अगर इसमें कांटा नहीं होता तो हम चल जाते, जंगल की कोई बात नहीं थी, लेकिन दोस्तों जो भी पेड़ है सभी कांटा है, और यहाँ पर देख सकते पेड़ में भी एक कांटा यहाँ पर छू चुका है, जो कि थोड़ा बहुत खून यहाँ पर आ रहा है, ज़्यादा खून तो नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी आ रहा है देख सकते हैं, और एक यहाँ पर कांटा यहाँ पर और एक पेड़ में देख सकते हैं। तो इन सब से लड़ते हुए हम इस जंगल में आए हुए हैं, और हमारे साथ नितेश भाई तो है ही, उनको तो थोड़ा बहुत अभी डर लगा था, वो मेरे को बोल रहे नहीं जाना है नहीं जाना है जानवर, हम बोले नहीं चलो अब आ गए चलते हैं, लेकिन इधर से आगे हम नहीं जा सकते दोस्तों, इतना बड़ा रिस्क लेना मतलब कि जान जोखिम में डालना हो सकता है, अंदर से जाएंगे तो नहीं बाहर ही आ पाएंगे नहीं अंदर ही जा पाएंगे। तो इधर से ही हम वापस लौटते हैं और अभी दूसरा एरिया अपनाएंगे, और इधर से चिड़ते हुए बीच जंगल के जाएंगे अपने महफिल के तरफ, अपने घर के तरफ जो भी बोलिए। और देखिए दोस्तों आप एक ही नहीं मानेंगे, देखिए ये कांटा कितना खतरनाक है, अगर चुभ जाए तो आप सोच सकते हैं कि क्या करेगा जहाँ भी चुभेगा। देखिए ये कांटा सीधा भी नहीं होता, डालता है तो समझिए कि ऐसा टेढ़ा टेढ़ा एक कांटा होता है सब। तो ये जंगल इतना ही खतरनाक है आप देखिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम पूरे जंगल में मतलब बीच जंगल में आ चुके हैं, और यहाँ से आगे जाना बहुत ही मुश्किल है, आगे बहुत ही घना जंगल है, आगे जाएंगे तो खतरों की निशानी बन सकती है हमारे शरीर पे, मतलब कुछ कीड़े या मतलब कुछ भी वार कर सकते हैं, तो इसके आगे हम नहीं जा सकते। आप चारों तरफ देख ही सकते हैं, थोड़ा इधर दिखा दो। इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं और अपने घर निकलेंगे यहाँ से, और आगे थोड़ा दूसरे जंगल में जा कर के दिखाएंगे आपको क्या उसमें होता है। तो चलिए हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और दबा दीजिए बेल आइकन को, जो घंटा का दबाना है उसको दबा दीजिए, ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल सके। तो चलिए